माननीय साथियों, मेरा नाम करतार सिंह भारती है। वकील हूँ पेशे से। भीमनगरी केंद्रीय समिति का मैं संरक्षक हूँ और अम्बेडकर अनुयायी के रूप में एक लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ। आज हम लोग भीमनगरी 2022 और डॉक्टर अम्बेडकर जयंती शोभा यात्रा 2022 के बहुत ही उल्लास के साथ मनाने के लिए और वो सूचना आपको देने के लिए, उसकी जानकारी आपको देने के लिए यहाँ शिवकंचन होटल में एकत्रित हुए हैं। आई एम वेरी सॉरी किरणदीप होटल जो कि यहाँ सदर बाजार में है, प्रतापपुर के पास है, किरणदीप होटल। साथियों, एक दैवीय महामारी के रूप में हमारे सामने थी, इसलिए ये दो वर्षों में हम बाबा साहब की जयंती को और भीम नगरी के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को नहीं बना पाए। सरकार के आदेश भी थे इसलिए, लेकिन इस बार सब कुछ सामान्य है। तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब का आशीर्वाद है, पूरे देश में सुख शांति है, इसलिए हम लोगों ने आगरा के लाखों अम्बेडकर अनुयायियों ने शोभा यात्रा समारोह बाबा साहब की जयंती पर और 3 दिवसीय 15-16-17 को भीमनगरी के आयोजन के समारोह को मनाने का संकल्प ले लिया है। अधिकारियों को 2 महीने पहले ही सारे विकास कार्यों की, जो कि इस बार नगला पदमा में भीमनगरी का आयोजन होना है, वहां विकास कार्य होने हैं, उपेक्षित मोहल्ले हैं, उनकी सूचना हमने जिलाधिकारी महोदय को 2-3 महीने पहले दे दी है। महान निर्माता मसीहा, महान विद्वान, महामनीषी और महान राष्ट्रभक्त परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की इस बार 131वीं जयंती हम सब लोग मना रहे हैं और इस अवसर पर ये भीमनगरी का जो कार्यक्रम नगला पदमा में मैं सभी भाइयों के मैं अनुरोध भी करूंगा, सभी
महामंत्री हूँ और जो मेला है उसका हम लोग मिलकर संचालन करते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के रचयिता, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिल्ली की शोभा यात्रा 131 की शोभा यात्रा मनाने जा रहे हैं और 26वीं भीम जयंती मनाने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे साथियों ने आदरणीय भारती जी ने आदरणीय मंत्री जी ने जो कहा तो हम लोग जो है इस मेले को बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। कुछ समस्याएं होती हैं जो हम शासन प्रशासन को आवंत कराते हैं और ये हम करीब 4 से 5 महीने पहले ही शासन प्रशासन को सारी समस्याओं को बता देते हैं और हम चाहते हैं कि समस्याएं सारी समाधान हो। इस बार आचार संहिता की वजह से जो हम लोग चाहते थे यहां से शोभा यात्रा आरंभ हो और यहां भीम नगरी लगे, क्योंकि भीम नगरी यहां लगती है वहां कई एप्लीकेशन आती है उसके बाद हम एक जगह चुपते हैं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।